जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम आपके लिए आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो आजकल चर्चा में है और जिसके लिए कोचिंग सेंटर्स ने कई प्रोपेगेंडाज बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं कि हाँ 2020 में DSP की 138 पोस्ट बढ़ने वाली है या 2021 में DSP की 138 पोस्ट आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है इस न्यूज़ के पीछे की सच्चाई, हम जानेंगे। क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं मानेगी ये रिकमेंडेशन जो आपका आयोग का है, और कौन है ज़्यादा पावरफुल, MPPSC या स्टेट गवर्नमेंट। तो हम आगे इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल नॉलेज ग्रंथ को अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है सच्चाई। MPPSC रिक्रूटमेंट 2020 के हिसाब से एक न्यूज़ चल रही है कि स्टेट PCS ने MPPSC ने शिवराज गवर्नमेंट को एक सेटबैक दे दिया है। किस केस में, जो आपका 138 पोस्ट को आपका प्रमोशन के थ्रू भरा जाना था उसके लिए अभी रिफ्यूज कर दिया है। MPPSC ने मना कर दिया है कि 138 जो पोस्ट हैं वो थ्रू प्रमोशन नहीं भरी जाएंगी, वो थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भरी जाएंगी। ठीक है, ये आयोग का है। तो आगे जानते हैं, इस न्यूज़ को पूरी बारीकी से समझेंगे और समझेंगे कि क्या है इसके पीछे एक सच्चाई, गवर्नमेंट क्यों नहीं मानने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखिए, आपका जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राजेश रजौरा जी, इन्होंने ये बोला कि अभी आपकी टोटल जो 276 पोस्ट बनती हैं जो वैकेंट हैं उसमें से 138 जो पोस्ट है वो थ्रू प्रमोशन भर दी गई हैं और नेक्स्ट 138 जो वैकेंसीज लेफ्ट हैं उनको भी प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भेजा आपका स्टेट PCS के पास, बस स्टेट PCS ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको इस बात की नॉलेज होना चाहिए कि जब भी आपका ग्रेड ए पोस्ट भरी जाती है, ग्रेड ए या ग्रेड बी जिसका रिक्रूटमेंट आयोग के थ्रू किया जाता है, तो जब भी इन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है, जब भी इन ऑफिसर का प्रमोशन होता है और जब भी इन ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र किया जाता है तो आयोग को कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसी चक्कर में 276 पोस्ट 138 पोस्ट जो आपकी भर दी गई थी और प्रमोशन के थ्रू 138 पोस्ट बची थी उनको आपका थ्रू प्रमोशन भरने के लिए रिकमेंडेशन भेजा गया था, बट आयोग ने क्या किया, आयोग ने इसे मना कर दिया। तो इस बात को पूरा समझते हैं कि आपके पास हर साल जो होती हैं वो रूल्स के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हर साल वैकेंसीज आती हैं आपकी पुलिस की, जिसमें से 1108 पोस्ट जो टोटल थी वो DSP की है अभी के 2021 के हिसाब से। जो अब टोटल वैकेंसीज DSP जो टोटल होंगे वो 1108 होंगे, जिसमें से सारे आधे ज़्यादा पोस्ट भर दी गई थी, जिसमें से 276 पोस्ट बची थी। ठीक है, तो 276 पोस्ट अगर बची थी तो जिसमें से 138 पोस्ट हमने ऑलरेडी भर दी प्रमोशन के थ्रू, तो आपकी कितनी पोस्ट लेफ्ट रही, 138 पोस्ट लेफ्ट रही। तो 138 अगर पोस्ट लेफ्ट रही तो इसको गवर्नमेंट ने बोला हम प्रमोशन के थ्रू ही भर देंगे, बट आयोग ने बोला नहीं, 138 जो पोस्ट है, क्योंकि हर गवर्नमेंट का, हर स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस एक्ट होता है या आपका प्रमोशन एक्ट होता है, रिक्रूटमेंट रूल होता है, उसके हिसाब से आप 50% जो आपकी लेफ्ट वैकेंसीज में 50% आप प्रमोशन से भरेंगे और 50% जो वैकेंसीज हैं वो आप भरेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब MPPSC की जो वैकेंसीज आती हैं उनमें आएंगी ये 138 DSP की पोस्ट। ठीक है, ये इनके हिसाब से था। तो आयोग ने बोला कि अब 138 पोस्ट आपकी इसके थ्रू भरेंगे, लेकिन गवर्नमेंट आगे क्या कर सकती है, आयोग की हम पावर को समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 320 कहता है आपका कि ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑन द सिविल पोस्ट। पहला जो 320 का आर्टिकल सब थ्री का सब आर्टिकल वन जो बोलता है, दूसरा बोलता है ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एंड इन मेकिंग प्रमोशंस एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर एंड ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर सच अपॉइंटमेंट प्रमोशन और ट्रांसफ़र। इसका इन जनरल वर्ड मतलब ये है कि जब भी इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, मतलब आपका ग्रेड ए और बी जिनका रिक्रूटमेंट थ्रू आयोग के होता है, ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा।
तो इनको कंसर्न किया जाएगा किसके, आयोग के, आयोग से। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, इसको कंसर्न बोला गया है, ठीक है, परमिशन ली जाएगी आयोग से ये नहीं बोला गया है। मतलब आप कंसर्न कर सकते हैं उससे, कंसल्ट कर सकते हैं उससे, आयोग का सिफारिश ले सकते हैं आप, आयोग का रिकमेंडेशन ले सकते हैं, लेकिन आपको मानना क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में बोला था, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इफ द गवर्नमेंट फेल टू कंसल्ट द स्टेट पीसीएस इन दीज मैटर्स द एग्रीव्ड पब्लिक सर्विस सर्वेंट हैज नो रिमेडी इन द कोर्ट। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया है स्टेट पीसीएस के इन सब प्रमोशन के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब प्रमोशन के लिए, तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप आर्टिकल 32 के थ्रू कोर्ट में चले जाएंगे। आपको आर्टिकल 32 पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के लिए है, तो इसके थ्रू आप कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेगा, बिकॉज जो आयोग की रिकमेंडेशन है वो आपकी बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मानेंगे मान सकते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। मतलब इन जनरल इसका मतलब हुआ कि जो प्रोविजन है वो डायरेक्टरी है, नॉट मैंडेटरी है। ऐसा डायरेक्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप आयोग से कंसल्ट करेंगे, बट आयोग उससे कंसल्ट नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट अगर आयोग से कंसल्ट नहीं करती है तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं कि आप कोर्ट जाके ये बोल सकें कि आपने तो ये बोला था, अभी आप न्यूज में ये आ रहा था कि स्टेट पीसीएस ने ये बोल दिया है कि हम जो 138 वैकेंसीज हैं वो क्रिएट करेंगे, मतलब उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे। देखिए, आप अगर इन जनरल सिविलियन है, आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सब चीज़ नहीं आएगी, मगर अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आपके दिमाग में चीज़ जरूर आनी चाहिए कि ऐसा क्या पावर हो सकता है आयोग के पास। अगर आयोग ने ये चीज़ बोला है तो गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आपको हर चीज़ न्यूज़ को बारीकी से समझना है, ऐसा देख के आपको प्रोपेगेंडा जो कोचिंग सेंटर द्वारा फैलाया जाता है कि ऐसा होने वाला है, 138 पोस्ट इसी 2021 के एग्जाम के लिए बढ़ जाएंगी, या 130 2021 में 138 पोस्ट डायरेक्ट आएंगी। देखिए, इनसे क्या होता है कि कोचिंग सेंटर को आपको कैरेक्टर स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। अभी जैसे कोचिंग सेंटर का प्रोपेगेंडा है कि बढ़ा दिया तो आप क्या करेंगे कि 2021-20 का रिजल्ट तो आने वाला, हो सकता है हमारा क्लियर हो जाए, हम 68-70 के आसपास हैं तो हमारा क्लियर हो जाए, तो आप जाके कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेंगे, पैसे देंगे उनको। 2021 में अगर ये बोल देंगे तो 2021 का एग्जाम भी दिसंबर जनवरी में ही होने वाला, आप जाके एडमिशन ले लेंगे। तो आप इन सब प्रोपेगेंडा से बचें, पहले आप न्यूज़ को पूरी बारीकियों से समझें कि क्या अगर आयोग ने ऐसा बोल दिया है तो ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, ये आप डायरेक्टरी है, आप ले सकते हैं रिकमेंडेशन, लेकिन आप इसको लागू करेंगे फॉलो करेंगे ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं, व्हाट नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। देखिए, तीन चीज़ आपके पास निकल के आती हैं कि इस बार की जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज की जा सकती हैं, लेकिन 138 पोस्ट इंक्रीज की जाएगी ये 100% गलत है, ठीक है। 5 से 10 पोस्ट आपकी इंक्रीज की जा सकती हैं, 20 मैक्सिमम, और इनके भी चांस बहुत कम, निगेजिबल है, मतलब इसका चांस नहीं है इस बार की पोस्ट बढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो वैकेंसी जाएंगी वो आपकी 138 न्यू वैकेंसीज के साथ आएंगी, ये भी गलत है। 138 वैकेंसीज कभी भी नहीं आने वाली है, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। गवर्नमेंट प्रमोशन के थ्रू क्यों दे देती है, उसका रीजन समझिए। प्रमोशन के थ्रू इसलिए दे देती है कि आपके जो भी इंचार्ज होते हैं अभी, जो डीएसपी के पोस्ट से नीचे होंगे या जो एडिशनल चार्ज पे होंगे, जो डीएसपी का काम संभाल रहे होंगे, उनको आप प्रमोट कर देंगे डीएसपी की पोस्ट पे, तो उनकी सैलरी को आपको ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी इनको सैलरी मिल रही है और ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो पड़ता है वो नहीं पड़ेगा उतना। ऊपर से अगर न्यू रिक्रूटमेंट करता है, 138 न्यू रिक्रूटमेंट करेगा, तो देखिए उनकी एक तो सैलरी आपका गवर्नमेंट फंड से फाइनेंशियल बर्डन, ऊपर से उनका ट्रेनिंग का खर्चा फाइनेंशियल बर्डन। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश कर रही है कि आपका प्रमोशन के थ्रू इसको बढ़ा दिया जाए। दूसरा रीजन है आपका इलेक्शन प्रोपेगेंडा। इलेक्शन प्रोपेगेंडा का मतलब यह हुआ कि नेक्स्ट जो इलेक्शन 2023 या 2024 में होगा, उस इलेक्शन में गवर्नमेंट इन वैकेंसीज को लाएगी। उससे क्या होगा, नया नया रहेगा, नए नई न्यूज़ में रहेगी, और गवर्नमेंट को इलेक्शन में वोट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बार तो 2021-2022 चलेगा, तो उसमें तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इन पोस्ट को भरेगी। तीसरा क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट कैन डिले रिक्रूटमेंट ऑफ दिस वैकेंट पोस्ट। गवर्नमेंट क्या करेगी, 138 पोस्ट को अभी क्या करेगी, रिक्रूटमेंट को यहाँ पे डिले कर देगी, पोस्ट को होल्ड कर देगी। कोई भी रीजन दिखा देगी, हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन है, हमारे पास ये है, ठीक है, अभी कोविड की वजह से हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो
तो क्या करेगी कि नेक्स्ट जब होगा, अभी 1100 जैसे 1108 वैकेंसी टोटल बीएसपी की स्टेट में है, जब वैकेंसी 1150 हो जाएंगी तो 42 पोस्ट को आपको ये प्रमोशन के थ्रू भर देगी, और ऐसे करते करते 3 साल में 130 पोस्ट को प्रमोशन के थ्रू भर देगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास जो वैकेंसी जाएंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, इस प्रोपेगेंडा से बचें। हम किसी भी कोचिंग सेंटर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम जो एक्चुअल न्यूज है आपके पास वो दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपने वीडियो को पसंद किया हो, तो हमारे चैनल नॉलेज ग्रंथ पे जाकर हमें अभी सब्सक्राइब करें। हमने इसके पहले भी आपका कट ऑफ के लिए, जो एग्जैक्ट कट ऑफ होने वाला है उसके लिए एग्जैक्ट वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। एमपीपीएससी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के लिए वीडियो हमने बनाई है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसको जाके आप देखिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आप हमें यूट्यूब चैनल पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल, आप हमें इंस्टाग्राम में करें, और आप हमें टेलीग्राम पे करें, इससे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रंथ, सर्च करेंगे सबसे ऊपर ये लोगो आएगा आपका नॉलेज ग्रंथ, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।